नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कल 9 अगस्त के दिन कहां पर कामकाज कर सकता है, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। बट उससे पहले देखते हैं मार्केट में आज कहाँ पर कामकाज हुआ और आज मार्केट ने कैसा दिन बताया। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग के बारे में। तो बैंक निफ्टी ने आज पहले तो हमें एक हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग दी। ओपन होते ही दोस्तों मार्केट ने 45,020 का लेवल यहां पर टच किया। इस लेवल से ही मार्केट में इमीडिएट एक रिजेक्शन मिली और रिजेक्शन मिलते ही मार्केट ने एक अपने इस चैनल पर काम किया। ये नीचे से आप मार्केट में एक ट्रेंड लाइन देखते हुए आ रहे हैं। मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन की आज यहाँ पर एक रिस्पेक्ट की और सारा दिन इस ट्रेंड लाइन से ही मार्केट ने एक सपोर्ट भी लिया। अब दोस्तों, जैसे ही 10 बजे के आसपास मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ, एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिला और मार्केट ने 45,235 की एरिया को टच करते ही यहाँ पर रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे डबल टॉप बनाते हुए नीचे की तरफ यहाँ पर आई और 45,064 का लेवल मार्केट ने यहाँ पर हमें में छुआ। दोस्तों, इसी लेवल पर मार्केट फिर से एक सपोर्ट लेती है और वापस एक पुल बैक लेने की कोशिश करती है। दोस्तों, इस बड़े मूव के बाद आज मार्केट ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में रखा और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में कुछ खास बड़ी मूवमेंट्स देखने को नहीं मिली 11:30 बजे के आसपास। लास्ट में क्लोजिंग 45,064 इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है। अब बात करते हैं कि मार्केट में कल कहां पर ओपनिंग हो सकती है और क्या लेवल्स हमारे मार्केट में रह सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की तरफ रुख करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपने डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स दोस्तों, वीडियो बनाते समय इस टाइम पर तकरीबन -315 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बात करें हम यहाँ पे नैस्टैक की, सो नैस्टैक यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है तकरीबन -216, काफ़ी वीक है। S&P इंडेक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली है -44 पॉइंट्स। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर इस टाइम पर नेगेटिव चल रहा है तकरीबन -44। सो ये सभी चीज़ें कल मार्केट के अंदर एक गैप डाउन की तरफ एक इशारा कर रही हैं। तकरीबन 100 से 150 पॉइंट के बीच में ये गैप डाउन आपका हो सकता है। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो मार्केट ने ओपनिंग ही आपकी यहाँ सपोर्ट के आसपास कहीं पर आपको मिलने के काफ़ी चांसेस मार्केट में बन रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर मार्केट की ओपनिंग हमारे पास सपोर्ट एरिया पे होती है तो दोस्तों, अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक लेगी तो हम यहाँ ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने को जा सकता है, अपना गैप फिल करने को मार्केट जा सकता है। सो सपोर्ट मतलब अगर मार्केट 44,935 के लेवल से सपोर्ट लेता है तो यहाँ से मैं कॉल की पोजीशंस लेना पसंद करूँगा मार्केट में और मुझे जो ऊपर की रेजिस्टेंसेस मार्केट में दिखेंगी वो 45,050 और 45,150 तक ऊपर रहेंगी। पुट की पोजीशन एक ही केस में हम यहाँ पे मार्केट में लेंगे अगर मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट को ब्रेक कर कर नीचे निकलता है तो, अदरवाइज हम पुट को अवॉइड करेंगे। अगर ये सपोर्ट मार्केट तोड़ देती है तो नीचे के जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं वो 44,820 और 44,750, ये दो लेवल्स आप मार्केट में इजीली देख सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें बिकॉज उसके अंदर जो मैं लेवल मार्क करता हूँ आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय बाय।